देवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव महोत्सव, प्राकट्य महोत्सव मनाने के लिए उसकी पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ पर एकत्रित है। आप सभी का यहाँ पर पधारने के लिए हम हार्दिक अभिवादन अभिनंदन कर रहे हैं और कृष्ण चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सबको अपनी भक्ति देवे जिससे हमारा जीवन सफल हो। कृष्ण जब क्या है, वो दिव्य है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म को समझ लेता है उसका दोबारा इस शरीर से जाने के बाद जन्म नहीं होता है। भक्ति भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए एकत्र होते हैं और भक्त लोग कितना उत्साह और प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान का जन्म उत्सव जन्माष्टमी मनाने के लिए यत्नशील रहते हैं। तो इतने मात्र से ही व्यक्ति का जन्म मरण कट जाता है। मानव जीवन में आने के बाद में ये सुविधा प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते कभी भगवत कृपा होती है जीव पर, तो उसको मानव का देह मिलता है। और मानव का देह भारतवर्ष में मिलना ये उससे भी श्रेष्ठतर है। यानी जितने भी मानव हैं, उनमें से भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मानव श्रेष्ठतम माने जाते हैं। अब जब भारतवर्ष में मानव का जन्म होता है तो उस मानव का लक्ष्य क्या होता है, उस मानव को क्या प्राप्ति करनी होती है? उस मानव देह में हम मात्र एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, या लक्ष्य है कि हम इस तरह से अपने जीवन को ढालें कि जिससे कि हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे। हमारा जीवन, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें नाना करते भी भगवान का स्मरण बनता रहे। और अगर हम कंपेयर करते हैं आज के लाइफस्टाइल को, तो ये लाइफस्टाइल जो है ये नाना करके भी भगवान का विस्मरण कराने वाला है। क्यों? क्योंकि कलयुग प्रगतिशील है। और अगर हमारा कुछ ऐसा प्रयास रहता है, मार्गदर्शन होता है और हम अपने जीवन में भगवान का स्मरण करते हैं, तो अंत में भी स्मरण करेंगे। जब हमारा देह का त्यागने का समय आएगा तब भी स्मरण करेंगे। ये अभ्यास से होता है। भगवान कहते अंतकाले च मम एव स्मरण मुक्त वा कलेवरम, कि अंतकाल भी होती है तो लोअर योनियों में जाना ही पड़ता है। और अगर कोई भगवत है उसके साथ रहेगा, वो नश्वर है, नश्वर उसको कभी नष्ट नहीं होगा। और साथ में वो सब उस तरह के तपस्या, उस तरह की साधना, उस तरह का मनन नहीं कर पाएंगे, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने सारी चीज को एक जगह में पूरी शक्ति देते हुए, तो क्या होगा? फिर हमारा भगवान के चरणों में प्यार पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा। जो आज हमारा प्रेम संसार में है वो पलट कर वास्तविक जो उसकी जगह है उसमें आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के आदि मूल कारण है। अगर हमारा मन उनके श्री चरणों में लग जाता है तो हमारा जीवन परम सलोक ऐसा
संकल्प भी करें, भगवान से प्रार्थना भी करें कि हमारे जीवन में आपकी भक्ति का प्रवेश हो और ऐसा हमें शक्ति प्रदान करें कृष्ण, जिससे कि हम अपना नित्य भगवान का स्मरण कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बनाए। जो श्री कृष्ण जब आए थे अपने बच्चों को भक्ति सिखाने के लिए, आप जानते हैं कब आए थे वो? श्री कृष्ण जब उपदेश किया श्रीमद् भगवत गीता का कि सभी धर्मों का परित्याग करते हुए मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, चले गए कृष्ण। काफी समय बीत गया, लोग बाग उस बात की कोई देखभाल ही नहीं कर रहे, कोई आने को तैयार ही नहीं। तब स्वयं श्री कृष्ण अपने आप को इस भाव में प्रकट किया और भक्ति